आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होगा। सत्र से पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सहयोगी दलों की रविवार शाम 7:30 बजे बैठक बुलाई है। इसमें कांग्रेस, सीपीआई, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय विधायक शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ विधायक अब्दुल रहीम रादर को स्पीकर बनाया जा सकता है। रादर 7वीं बार विधायक चुने गए हैं और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की पहली विधानसभा में सबसे उम्रदराज विधायक भी है। स्पीकर का चुनाव सोमवार सुबह 10:30 बजे से पहले होगा। इसके बाद उपराज्यपाल का अभिभाषण होगा। बैठक में अब्दुल्ला सरकार की आगामी रणनीति और योजनाओं के बारे में भी चर्चा हो सकती है। बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी विधायकों को भी बुलाया गया है। अब्दुल्ला सरकार डिप्टी स्पीकर का पद भाजपा को भी दे सकती है। हालांकि अब तक सरकार की ओर से भाजपा को इससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी गई है। आज होने वाली बैठक में इस पर भी फैसला हो सकता है। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।